गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। स्वागत है आपका इन नाद अ लर्निंग सीरीज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आखिरी एपिसोड में। हर एपिसोड में हमने शुरुआत में किसी न किसी देवी या देवता का आवाहन किया, मगर इस एपिसोड में हम धन्यवाद करते हैं हर उस महान संगीतज्ञ का, उस गुरु का, जिसके कारण हमें इस कला की एक निरंतर प्रवाह प्राप्त होती रही, हमें वो ज्ञान प्राप्त होता रहा जो अब हम आगे और बढ़ाएंगे। स्वागत करती हूँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ जुड़े उस्ताद जौहर अली जी का। स्वागत है उस्ताद जी। नमस्कार, बहुत बहुत आदाब। और साथ ही स्वागत करती हूँ सभी संगत कलाकारों का। तबले पे शादाब अली जी, तानपुरे पे हुमायूं अली जी, और आपके शिष्य रायमा और वैभव जी का, आप सभी का स्वागत है। उस्ताद जी, हमने आज के अंतिम एपिसोड की शुरुआत की है गुरुओं का जिक्र करके, जिनके योगदान के बिना शास्त्रीय संगीत शायद उतना समृद्ध ना होता जितना आज वो है। आप अपने गुरुओं के बारे में भी हमें कुछ बताएं, जिन्होंने वायलिन का नाम देश और इसके अलावा दुनिया भर में फैलाया है। देखिए, हमारे गुरु ही हमारी देवी देवता हैं, यही हमारे फरिश्ते हैं। और मैं जिस परिवार से आता हूँ उसको पटियाला घराना कहते हैं। फाउंडर ऑफ पटियाला घराना उस्ताद अली बख्श की बेटी के आगे बेटे का मैं बेटा हूँ। ये बहुत पुराना परिवार है। पिताजी हमारे उस्ताद गौहर अली खां, जो रामपुर से दिल्ली आए थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ गुरुओं के पास भेजा कि इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें पहले तो आपके नाना स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज जी, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद स्वर्गीय जोय श्रीवास्तव साहब जो वायलिन बजाते थे, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। शहनाई वादक स्वर्गीय पंडित आनंद लाल जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मैं जाता था रुद्र वीणा वादक उस्ताद असद अली खां साहब के पास, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो ये सारे देवी देवता की तरह हमारे लिए थे। उस्ताद फतेह अली खां साहब पटियाला घराने के जो मशहूर हमारे रिश्तेदारी होते हैं, हमारे ताया लगते हैं वो, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा। तो ये गुरु के बगैर जीवन अधूरा है संगीतज्ञ का। बिल्कुल उस्ताद जी, सभी गुरुओं का जिनका आपने जिक्र किया, वो तमाम अलग अलग साज बजाया करते थे और आपको सिखाते भी थे, तो क्या ये हर स्टूडेंट ऑफ वायलिन के लिए ज़रूरी है कि वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को जाने सीखें और तब जाके एक कंप्लीट वायलिन प्लेइंग का ज्ञान उनको मिलेगा? देखिए, सीरियसली अगर आपको सीखना है तो एक तो आपका गुरु होता है जो आपको बताता है, और वो गुरु बताता है कि आप उनसे भी कुछ सीखिए। जैसे कि हम स्वर्गीय लता मंगेशकर से बहुत कुछ सीखते हैं, आदरणीय मोहम्मद रफ़ी साहब से, आदरणीय मुकेश जी से, आदरणीय किशोर कुमार से, तो ये सब हमारे गुरु ही तो हैं ना। तो गुरु एडवाइस के लिए कहीं भेजता है कि भाई उनसे भी कुछ लो, तो फिर इधर से फूल लिया, उधर से फूल लिया, और एक गुलदस्ता बना। बिल्कुल सही बात है। टेक्निक के बारे में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपने जिक्र किया था उंगली और गज दोनों का इस्तेमाल जब साथ में किया जाता है तो ये एक बहुत ही टफ टेक्निक होती है, तो जिससे पहले कि हमारी ये सीरीज आज खत्म हो, आप प्लीज हमें इसके बारे में बताएं। देखिए, हर साज उंगलियों से बजाया जाता है, और उसके साथ जैसे वायलिन के साथ ये बो है, तो हमारी चार फिंगर हैं और ये थंब, यही इसमें काम करते हैं। तो जैसे कि हम उंगलियों का रियाज करते हैं कभी कभी, और ये बो के साथ, और एक ये गमक का रियाज है, एक रियाज है ये सेकंड फिंगर का बो के साथ।
अरशद अली खान साहब से मैंने सीखा था। बहुत खूब, इसमें प्लकिंग की साउंड जैसे प्लकिंग का और बोइंग का, ये बोइंग का इंस्ट्रूमेंट है लेकिन प्लकिंग की भी कहीं ज़रूरत हो म्यूज़िक में तो वो कैसे बजाया जाता है, तो उसमें बोइंग, फिंगरिंग और प्लकिंग, ये तीनों चल रही है। जी बिल्कुल। इसी के साथ मेरे मन में एक और सवाल है, आप देश विदेश में परफॉर्मेंसेस देते हैं और अलग अलग तरह की ऑडियंसेस के लिए परफॉर्म करते हैं, क्या कभी ऐसी कोई फरमाइश आपके सामने आ जाती है जो कि तय किए हुए परफॉर्मेंस से फ़र्क होती है, और क्या ऑडियंस देख के आप कई बार अपने प्लेइंग के टेक्निक को भी चेंज करते हैं? जी ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में क्या होता है कि हर तरह की ऑडियंस मिलती है संगीत को सुनने के लिए। जब हम किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको कभी कभी हम एक ऐसा म्यूज़िक सुनाते हैं ताकि वो इन्जॉय करें उसको, राग भी सुनाते हैं ताकि उनके कानों में राग पहुँचे या सीरियस म्यूज़िक पहुँचे, लेकिन बच्चों को खुश करने के लिए कुछ हम एक साउंड निकाल देते हैं, जैसे कि चिड़ियों का साउंड है या कोयल का साउंड, तो वो खुश हो जाते हैं। कोयल का साउंड वायलिन पे? हाँ जी, बजाएं? जी प्लीज। इसी तरह हम चिड़ियों का साउंड निकाल के उनको खुश कर देते हैं। एक ऑडियंस होती है जो लाइट म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, पॉपुलर म्यूज़िक, बॉलीवुड सॉन्ग इस तरह से, क्योंकि वो लाइट म्यूज़िक यूँ सुनना चाहते हैं कि ज़्यादा डीपली म्यूज़िक उनको शायद देर में समझ में आता है, उसके लिए उनको और नॉलेज लेना पड़ती है, तो उनके लिए हम कोई सेमी क्लासिकल या कोई पॉपुलर राग बेस गाना या कोई लोक संगीत हम उनको सुना देते हैं। जी मगर जो सीरियस ऑडियंस होती है, जो स्कॉलर्स होते हैं, जो अपना पीएचडी कर रहे हैं या म्यूज़िक को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, उनके लिए हम, ज़ाहिर है वो रागों की ही डिमांड करते हैं या ठुमरी दादरा या बहुत सीरियस म्यूज़िक की या कुछ हैवी टेक्निक की, तो म्यूज़िक ऑडियंस के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे इस सीरीज़ में हम सिर्फ सिखाने की बात कर रहे हैं कि ये कैसे सीखा जाता है, कैसे बजाया जाता है, इसकी क्या टेक्निक है, और साथ साथ हम म्यूज़िक भी बजा रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप में से किसी का कोई सवाल है उस्ताद जी के लिए तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। सर, वायलिन में बाज का तार किसे कहते हैं? वायलिन में बाज का तार जो होता है, जैसे कि वायलिन में 1, 2, 3, 4 तार हैं, और जो इसका सेकेंड स्ट्रिंग है जिसे कहते हैं सा का स्ट्रिंग, इसी से शुरू करते हैं हम सा से आगे राग या कुछ और बजाना, तो बाज का तार ये है, ये साउंड आ रहा है ना, ये बाज का तार है, क्योंकि अधिकतर प्लेइंग इस स्ट्रिंग पे होती है, इसी स्ट्रिंग से होती है क्योंकि सा है ये। जी, तो इसी को बेस बना के हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम म्यूजिकल एक टेक्निकल एक लैंग्वेज है, तो उसमें बाज का तार जी, या हाई पिच का तार या पंचम या मध्यम या रे, तो इस तरह से इन स्वरों के नाम हैं। जी, हमने बात की है कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंट अलग अलग स्वरूप ले लेता है जब उस पर अलग ढंग का म्यूज़िक बजता है, चाहे वो कर्नाटिक म्यूज़िक की बात हो या फिर हिंदुस्तानी म्यूज़िक की बात हो। इसी तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में भी वायलिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्केस्ट्रा सिम्फनीज़ में आप अक्सर वायलिन को प्रमुखता से सुनते हैं, तो वेस्टर्न म्यूज़िक में भी क्या भारतीय संगीत का कोई रंग हम देख पाते हैं? जी, वेस्टर्न म्यूज़िक बहुत ही सुंदर म्यूज़िक है और उसका भी एक सिस्टम है, और बहुत ही सुंदर बात यह है कि वो भी कहीं कहीं हमारे ही रागों का इस्तेमाल करते हैं, हम उसको राग कहते हैं, वो कहते हैं स्केल, किसी भी स्वर का ग्रुप या स्केल,
तो मैं आपको एक बात बताऊं, व्हेन आई रिप्रेजेंटेड इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस और उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था यूनेस्को ने जी. जो पेरिस में हुआ था, मेलोडी ऑफ डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस उसका पूरा नाम था, और इतना भव्य वो प्रोग्राम था पेरिस में, और जगह जगह से हर देश ने अपने अपने बेस्ट आर्टिस्ट वहाँ बेस्ट ग्रुप भेजे हुआ था, तो सब बहुत अच्छा बजा रहे थे. तो वहाँ पर वहाँ के जो यूनाइटेड नेशन के चीफ थे, उन्होंने हम सब लोगों को इकट्ठा किया, सब आर्टिस्टों को, सब देशों के आर्टिस्टों को, और उन्होंने कहा कि आप ख़ुद फैसला कीजिए कि आप कंट्री, आपकी कंट्री, आपका मुल्क खूब अच्छा अच्छा म्यूज़िक बजाइए, मगर लीड कौन करेगा इस पूरे फंक्शन को, कौन सा देश लीड करेगा. और उसके बाद उन्होंने कहा दो दो मिनट का आप सब म्यूज़िक बजाइए. एक वोटिंग बॉक्स रखा गया, ये सारी यूट्यूब में है, और वहाँ उन्होंने कहा कि अपना अपना म्यूज़िक बजाइए दो दो मिनट का और वोटिंग कीजिए, लेकिन आप अपना वोट अपने देश को नहीं दे सकते. हमने भी अपना म्यूज़िक बजाया, ऑस्ट्रेलियन लोगों ने, अमेरिकन लोगों ने, जैपनीज लोगों ने, दुबई के लोगों ने, सब ने अपना अपना बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाया. और उसके बाद स्क्रीन जब खुली, हम सब बैठे थे, तो वहाँ लिखा था इंडिया विल लीड करेगा भारत इस पूरे फंक्शन को. तो वो जो हमारा खुशी का क्षण था जब हमारा तिरंगा आगे आन के रखा गया, तो वो जो कंपोजिशंस मैंने बजाई थी, क्या उसकी एक झलक बजाऊं? प्लीज़, हम बहुत उत्सुकता से सुनना चाहते हैं. बजा रहे थे इसी म्यूजिक की नोट्स को, सिंधी भैरवी का इस्तेमाल कर रहे थे जी. तो हमारे देश के प्रमुख राग हैं.
जापान। स्कॉटलैंड, वहाँ के आर्टिस्ट अपना फोक बजा रहे थे, स्वर इसी तरह से। अमेरिका इसका एंड था। क्या बात है। तो ये बहुत सुंदर अनुभव था और हमारे रागों को दूसरे तरीके से अपने अपने स्टाइल में सब लोगों ने, सब देशों ने बजाया। तो ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के संगीत में, कल्चर में, पूरी दुनिया का संगीत है, तो ज़रूर सीखिए इस संगीत को। जीवन में आपके संगीत होना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, शास्त्रों ने भी कहा है कि संगीत, साहित्य और कला के बिना इंसान पशु समान होता है। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश की धरोहर इतनी समृद्ध है कि पूरे दुनिया ने हमारा लोहा माना है। उस्ताद जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस सीरीज़ में आपने तत्वादे यंत्र वायलिन हमारे को सिखाया, उसकी तकनीक से हमको अवगत करवाया और हमको कोशिश दी, प्रेरणा दी कि हम भी इस इंस्ट्रूमेंट को सीख सकें। ज़रूर सीखिए, वायलिन एक बहुत सुंदर वाद्य यंत्र है। इसमें करुणा है, प्यार है, मोहब्बत है, राग है, गीत है, गज़ल है और जाने क्या क्या है, देश प्रेम है। और ज़रूर सीखिए और हम भी सीख ही रहे हैं। उस्ताद जी, जिससे पहले कि हम इस सीरीज़ की समाप्ति करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए अगर आप अपने पसंदीदा राग की एक बंदिश बजाएं तो हम सबको बहुत आनंद मिलेगा। वो राग है राग ललित। Thank you.
गस का प्रयोग किस तरह से होता है और सा का साउंड, क्योंकि ये लर्निंग सीरीज है। क्या बात है उस्ताद जी, इससे बेहतर तोहफा हमारे दर्शकों के लिए हो ही नहीं सकता था इस लर्निंग सीरीज़ की समाप्ति पर। नाद अ लर्निंग सीरीज़ ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के आज के सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में हमें उम्मीद है कि आपने वायलिन के हर पहलू को गहराई से समझा होगा, जाना होगा और इस ज्ञान को अपने अंदर बसाने की कोशिश भी की होगी। हमारी ये पहल ऐसे ही आगे जारी रहेगी किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। मैं हूँ शिंजनी कुलकर्णी, धन्यवाद।